आप सबका स्वागत है आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि फाइनली बहुत टाइम के बाद आपको डी लिंक का एक ऐसा राउटर देखने के लिए मिलता है, कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेबल ब्रांड देखने के लिए मिलती है 5G राउटर के साथ, जो कि फाइनली डी लिंक ने लॉन्च कराया है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। और ये एयरटेल एंड जियो, और बात करी जाए तो 5G फ्रिक्वेंसी पे प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी कनेक्टिविटी के साथ आता है। बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन 5G कनेक्टिविटी, जो इसकी स्पीड है, मतलब डाउनलोडिंग स्पीड जो है आपको 1.6 GBPS की देखने के लिए मिलती है, अपलोडिंग स्पीड इसकी आपको 150 MBPS देखने के लिए मिलती है। बट सबसे बड़ा सवाल, हम क्या हम अभी डायरेक्टली इसे खरीद सकते हैं? तो फाइनली डेल ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी कुछ, मतलब बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से या डिपार्टमेंटल थोड़े से क्लियरेंस रह गए हैं, जल्दी आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, बट फाइनल तौर पर लॉन्च कर दिया, ये हमारी डायरेक्टली बात हो चुकी है। बट अब सबसे बड़ी बात है कि कैसे मिलेगा, जैसे ही ऑफिशियल लॉन्च होगा तो वो भी हम आपको डायरेक्टली नई वीडियो में बता देंगे। बस तब तक आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, और जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या आपको देखने के लिए मिलती है और कौन सी फ्रिक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल होगा। जैसे कि बात करें, इसमें आपको वाईफाई 6 की सपोर्टेड मिलती है राउटर के अंदर, और कहीं ना कहीं मोर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वाईफाई 6 मिल रहा है तो मुझे 5 GHz या 2.4 GHz नहीं मिलेगा, तो दोनों फ्रिक्वेंसी तो मिलेगी, लेकिन ये जो सपोर्ट करता है वो हायर वाईफाई फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है, जो कि आपको मैक्सिमम 6 देखने के लिए मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है हमें, क्योंकि डी लिंक प्रेजेंट कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ नया भी कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। MU एप्लीकेशन सपोर्टेड मिलता है, मतलब आप इसे कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, कहीं से भी कोई अननोन डिवाइस से ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरनेट कब मतलब चालू करना है, कब बंद करना है, सब कुछ एक्सेस जो है आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर रहेगा इस राउटर का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है कि तब बैक साइड चलते हैं तो 4 फुल गीगा पोर्ट लाइन मिलती है, मतलब आप टीवी, गेम कंसोल या लैपटॉप या डेस्कटॉप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। 5G सिम कार्ड की बात चल रही है यहाँ पे, और 1 आपको गीगा पोर्ट मिलता है WAN का। डैट मीन्स यह है कि कभी इन फ्यूचर आपको रिपीटर या इंटरनेट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैं ख़रीद लूँ या मैं ये सोचूं कि बस ये यूज़ एंड थ्रो वाला राउटर है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको ये मल्टीपल फैसिलिटी इन फ्यूचर भी प्रोवाइड करवाता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि कितने डिवाइस मैं कनेक्ट कर सकता हूं, तब मैं 5G सिम डाल के चला रहा हूं, तो आप इसमें 128 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल राउटर से। 128 डिवाइस बहुत होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से आपको स्पीड भी देखने के लिए मिलती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको घर के लिए यूज़ करना है, ऑफिस के लिए यूज़ करना है, या किसी अदर प्लेस के लिए यूज़ करना है, तो मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन विदाउट एनी ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो ड्रॉपनेस का कोई चांस नहीं है। बस यह है कि राउटर के थोड़े से पास आपको रहना पड़ेगा, लेकिन ये राउटर वो राउटर नहीं है कि आपको हर जगह लेके घूमना है, मतलब बात की जाए तो आप बीच में सेंटर में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम ये कि नहीं, इसे तो पावर की ज़रूरत है, तो आपको पावर बैंक देखने के लिए मिलती हैं, जो कि आज की डेट में राउटर को सपोर्ट करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है, 2 एक्सटर्नल इसके एंटेने देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये ऑपरेशनल जो है वो डुअल, जैसे कि बात की जाए तो नेटवर्क को सेंड करने के काम भी आता है और रिसीव करने के काम भी आता है। सेंड वाईफाई रेंज को हो गया, और रिसीव हम कह सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी, जो कि 5G नेटवर्क है, आपको अच्छी खास हाई स्पीड यूज़ करने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी देखने के लिए मिली, इसके अंदर इनबिल्ड किया गया है इंटरनेट स्पीड टेस्टर, मतलब वो कंटिन्यू चेक करता रहेगा कि कितनी स्पीड आपको मिल रही है, वो आप नोटिफाई भी कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, नैनो सिम कार्ड सपोर्टेड है, तो यहाँ पे आप 5G कनेक्टिविटी के साथ, ये हम बात करें 4G LTE सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसके लिए आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो फ्री ऐप सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि आप डायरेक्टली कोई भी दुविधा हो तो उसे सॉल्व कर सकते हैं इस राउटर के साथ, जो कि डीलिंग प्रोवाइड करवाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कौन से हमें 5G बैंड सपोर्टेड देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 5G NR देखने के लिए मिलता है, और 6 GHz फ्रिक्वेंसी, जो कि हमने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी कि क्यों टेलीकॉम ऑपरेटर डिमांड कर रहे हैं 6 GHz फ्रिक्वेंसी की, तो ये फुल्ली सपोर्टेड आपको देखने के लिए मिलता है। बात करी जाए तो और कौन से बैंड सपोर्टेड है, N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, मतलब 20, और N28, N41, N66, N71, N77, N78,
79, मतलब बात करी जाए तो सब फ्रिक्वेंसी आपको नियरेस्ट, जैसे कि जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें, अडानी की बात करें, तो आपको सब फ्रिक्वेंसी सपोर्टेड ये राउटर देखने के लिए मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, स्टैंड अलोंग नेटवर्क और नॉन स्टैंड अलोंग दोनों पे ही वर्केबल कंडीशन पे होगा, तो कहीं ना कहीं डीलिंग ने बहुत बड़ा काम किया है। अब यह थोड़ा सा वेट और करना है कि कब तक क्लियरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनली कब ये इंडिया में लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का तो कम पार्टिसिपेशन रहेगा क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा रहेगा। क्या वो इस राउटर पे सपोर्ट देंगे, एक सबसे बड़ा सवाल वो बनता है। लेकिन तब डीलिंक ने सपोर्ट लॉन्च किया है, क्योंकि डीलिंक के बहुत ज़्यादा बात की जाए तो नेटवर्किंग डिवाइस ऑलरेडी टेलीकॉम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिल ही जाएगा और जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए हम आपके लिए भी रेगुलर निगाह रखे रहेंगे, जैसे ही लॉन्च करता है तो वहाँ पे हमारी भी फिलहाल बात चल रही है, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है वो आपको तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा। बस तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।